बेस्ट मेन 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 और उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है और हमें एग्जिट ही नहीं मिला। वो है हिमालयस, वो और ये साइड है चाइना। सनातन धर्म की ताकत दिखाओ, ये देखो गणेश जी आए हैं। गणेश जी टेंपल देखो, नैना देवी टेंपल का ये टेंपल है, कितना ब्यूटीफुल है ये देखो। मॉर्निंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक जिसका नाम है नैनीताल। और मैं नैनीताल कैसे पहुंचा उसके लिए मेरे पहले वाले व्लॉग्स भी देखने पड़ेंगे। इस 7 दिनों में मैं इतना घूम चुका हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन बना चुका हूँ कि अगर आपने ये ट्रिप मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किया, आपकी ट्रिप सबसे बेस्ट होने वाली है। सो डोंट वरी, नैनीताल में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सी प्लेसेस घूमने चाहिए, कौन से प्लेसेस नहीं घूमने चाहिए, कहाँ पे खाना खाना चाहिए, कहाँ पे नहीं खाना चाहिए, शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि शॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट वेन यू आर ट्रैवलिंग। तो चलो हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कौन से प्लेसेस है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। आप देख सकते हो हर एक चीज़ ये व्लॉग में आने वाली है, और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसके साथ मज़े भी आने वाले हैं। और जब इन्फॉर्मेशन और मज़े एक साथ होते हैं तो मज़े दुगने हो जाते हैं। तो चलो मैं आपको इस सफ़र में मेरे साथ आपको लेके जाता हूँ, मिलते हैं रोड पे। तो हम लोग लोकल साइट सीइंग करना है नैनीताल में। तो ये एक पार्किंग है जहाँ पे ये बस नहीं जाती, तो ये बस हमें छोड़ना पड़ता है। तो छोटा छोटा आर्टिका होती है या बड़ी गाड़ी होती है ना, वो लेके जाना होता है। तो उसकी प्राइसिंग और कौन से लोकेशन पे वो लेके जाते हैं मैं आपको ड्राइवर से ही पूछ के बताता हूँ, क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, क्या पूछो मत, मैं लिटरली फ्रीज हो रहा, मेरे ओट पूरे फ्रीज हो रहे हैं, मेरे को बोलने नहीं हो रहा है। पर आपका भाई छोटी चड्डी भी है, छोटी चड्डी हाफ चड्डी इज इम्पोर्टेंट दोस्त, क्योंकि कैसे है ना एकदम कंफर्टेबल लगता है मुझे ऐसे हाफ चड्डी पे ऐसे घूमने, ऐसा बहुत मस्त। अभी आपको डायरेक्ट मैं गाड़ी में मिलता हूँ और कौन से स्पॉट लेके जाने वाले वो दिखाता हूँ। चलो अभी हम काका जाएंगे, अभी हम सबसे पहले जाएंगे मालोड बस स्टैंड। हाँ ठीक है, बस स्टैंड से राइट हैंड पे मालोड जो है ड्राइवर फुल फॉर्म में, वो हम लोग सब दिखाने वाले। मेरे साथ तो समय और पैसा चाहिए, साफ बात, बस इंजॉय जिंदगी के मजे लेने। वो ट्रिप का बताओ ना जो हमें बता रहे थे, डीजे नाइट है। हाँ। जैसे एक दिन नैनीताल रुक जाएंगे, एक दिन कौशानी रुक जाएंगे, दो नाइट मुंसारी रुक जाएंगे, एक नाइट पाताल भुवनेश्वर रुक जाएंगे, एक नाइट जागेश्वर रुक जाएंगे और एक नाइट मेरी कैंप पर रुक जाएंगे ना, इस टाइप से। बस हम सब यंग लोग आने वाले इनके पास। वैली ऑफ फ्लावर, तुंगनाथ सब करवाऊंगा आपको, खाना पीना रहना सब मोहित भाई का अटैक है। हाँ। और धमाल मजे मेरा दिलाने का काम है, टेंशन मत लो, वो इम्पोर्टेंट है ना। फर्स्ट साइट सीन पे पहुंच गए जिसका नाम है एक्को केव पार्क। तो वहां पे अंदर केव्स है, नेचुरल केव्स है, मैनमेड नहीं है, नेचुरल केव्स है। अंधेरा होगा, सब कुछ होगा। तो हमारा जो ड्राइवर दादा थे वो बोल रहे थे थोड़ा संभल के जाना, और चलो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि जब ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप आधा इधर आधा उधर होता है। तो वो बोल रहे थे थोड़ा ध्यान रखना सबका, अंदर केव में कोई रह ना जाए, नहीं तो सालों सालों बाद आएंगे। और ये है ना, ये लड़का पूरा का पूरा मेरा मूड ख़राब करता है। इसको मैंने बोला सुखबीर लगा, सुखबीर ये लगा था एपी। अभी कैसे होगा ना, इको केव पॉइंट हमारा फर्स्ट साइट सीन पॉइंट है और हम लोग बस अंदर जा रहे हैं। टिकट ले ली है पापा ने, तो टिकट भी दिखा था सर जी। ये अंदर सब पॉइंट है क्या? सारे अंदर पॉइंट है। ये पॉइंट है क्या सब जी? कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, टोटल 12 पॉइंट है अंदर। चलो आपको अंदर लेके जाता हूँ। सो ये टिकट है यहाँ की, 100 रुपीज है अडल्ट के लिए, और चिल्ड्रंस के लिए है 50 रुपीज़ यहाँ पे। हाँ 60 रुपीज़ फॉर 50 रुपीज़ नहीं, 60 रुपीज़ है। हमें हम थक गए, ये देखो हमें वेलकम करने के लिए खड़े यहाँ पे। अभी चलो सब लोग हले डुले महात्मा बोले हलू हलू। एक्चुअली हमें खुद को नहीं चलने हो रहे, उनको कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, पर फिर भी। तो ये यहाँ का मैप है और ये सब लोकेशन है यहाँ के, और ये है रास्ता केव के लिए। ये केव बहुत बड़ा है और जो केव है ना वो एक एंड से लेके दूसरे एंड है, और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर ही है। सो अब पता नहीं किसको
प्रॉब्लम होता है अंदर जाने का, किसी को डर होता है, किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ ख्याल रखना अपना खुद का, बिकॉज दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है, नेचर के अंदर है, ऐसा लग रहा है हम रियल मैन वर्सेस वाइल्ड का कुछ करने आए हैं, क्योंकि देखो ना कुछ नहीं है। अभी केव में जाना है, केव में अंधेरा होगा, फ़ोन चला तो ठीक है, नहीं चला तो लेट्स गो। हम केव में अरे ये तो बोल रहा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, चलो देखते कुछ है या नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, छोटू सी गुफा है ये। फैजू भाई तो मिले नहीं, अरे फैजू भाई तो मिले नहीं, नेक्स्ट टाइम इज द अंदर केव था, बहुत छोटू सा केव था ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और हमें एग्जिट ही नहीं मिला, तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। और यहाँ पे है बहुत सारे केव, बहुत सारे मतलब 5 केव्स हैं, वो हम देखने जा रहे हैं, चलो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट केव पोक्यूपाइन केव, क्या बनता है, चलो पोक्यूपाइन केव के अंदर चलो। तो हम लोग है पोक्यूपाइन केव में और बहुत स्टीप है भाई, बहुत स्टीप है, कौन सी की वाली पहले गुम्पे तुम गेलो थे। शाबाश अंकल मस्त, वाकुन वाकुन या वक्का वक्का है ना, काय ना चला। जिंदगी में पहली बार जब आप केव में आते हैं ना तो यही होता है, पोक्यूपाइन केव बेस्ट। हाँ वेरी गुड, आप बोला पाठो बाबा, ये पार्टी कौन है, हाय हाय, हम ऐसे बंदा कौन नहीं है। अरे यार ओ काका मी निकल गए अजून आराम के साथ, तू निकल असता मी निकल हाय ला, काका तो फिट है, मैं अटक गया भाई, नहीं नहीं बैट केव में हम लोग घुस गए अभी अंदर हो काका, डोंट वरी यूट्यूब वर येणार, चला फक्त मला बाहेर काढा नाही तर काय नाही येणार। अरे बापरे बॉस भाई, इकडे बसू नये, काका बोलतात बसूनच आले, लागलं डोक्याला हळूहळू या प्लीज गाइस, आराम आराम से आओ, शूटिंग कर शूटिंग, हाँ अरे हाय रे हळूहळू शूटिंग कर, कॅमेरामॅन मागे, कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो पीछे, चलो 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 पीछे फोकस करो। आपको पता है एक चीज, एसी भी बहुत चालू, मैंने व्हाइट पैंट पहना है, एसी भी बहुत चालू है, और अंकल बोल रहे अंकल क्या चालू है, एसी बहुत है। आ गए दूसरे अंकल भी आ गए हमारे, सब आ रहे हैं, आराम आराम से आओ अंकल, आ गए बैट्स केव, अरे बैट्स केव क्या, इधर इतने बोट्स बैट्स ने हम लोग की बैट्स लगा दिए, आ गए आ गए, अभी नजीक है अभी, तो अंकल अड़क गया मैं, बैठ के बैठ के, वसुन निकल गया, एसी बेकार लग रहा है, बाप रे एसी, अभी देखो गाइस इतना सही रास्ता है, थकने हो रहा है, एल्टीट्यूड यहाँ से जरा दे रहे, हाँ एल्टीट्यूड प्रॉब्लम, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, फोकस प्लीज, हाँ आओ आराम, काका कहीं दिशत नहीं, वो भीती वाटते, आलो 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 आता आराम, थोड़ा प्रकाश दिशाई में कोरा ही कोरा, आता थोड़ा प्रकाश दिसतो आपण, आपण जवळ आलो, हा खुश उज प्रकाश दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, शायद आ गए भाई, आ गए, अभी हम इधर रुकते हैं क्योंकि बाकी के लोग अंदर है, अंकल ने तो मस्त झोंक मारा है, अंकल बोलते हैं बैठ के आओ, तो दूसरे अंकल बोलते कल रात को ही बैठे थे, रात को बैठे थे, चलो चलो अच्छे आए, तंदुरुस्त तंदुरुस्त हो गए, टॉनिक गया ना, बेस्ट, अभी बाहर निकल,
स्टीप है, देखो पूरा पत्थर पत्थर है। और अंकल आ रहे हैं अभी, पाई स्लीप बोलते बगा। अंकल आ मस्त काका, बेस्ट 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 बेस्ट। चलो बाकी के भी आ जाएगा अभी, बाकी के भी आ जाएगा। हल्का हड़ू गया, हाँ इतना चाहिए थे। हाँ मेरे साथ सब फिट लोग हाथ दिया ना, हमने सब केव कर लिए, अंदर ही अंदर केव थे। हम लोग आ गए मस्त काका, मजा ली ना? यस। चलो चलो अभी दूसरा पॉइंट गया। पर ये अंकल लोग थक ही नहीं रहे। ओ भाई हो, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगी हम। कौन सा पॉइंट है पता नहीं, पर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है हमें। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट लेते, कुछ खाने मिला तो खाते हैं, कुछ पीने मिला तो पीते हैं। पानी प्लीज। हाँ थक गए यार, थक गए। इतने में ही थक गए। हाँ किसका बेटी? प्लीज। हाँ कितना मिस? चार मिस, छह में से चार मिस। पुलिस। हाँ फाइनली सब कुछ हो गया, क्योंकि एग्जिट दिख रहा है हमें। बट यार 100 रुपए में मस्त है, अंदर एक्टिविटीज भी है। तो आपको चाहिए तो वो 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से एक्टिविटीज होती है, वो भी है, वो भी कर सकते हो। बट 100 रुपए में ये बेस्ट है। अभी दूसरे स्पॉट पे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। मिलता है गाड़ी में। चलो हो गया ना, तो थोड़ा खाने के लिए बॉयल चना चाट। अरे तुम लोग बोलेंगे साला पूरा सीरीज में ये खाते ही रहा है, खाते ही रहा है। पर गाइस इतना खर्चा नहीं हुआ है सच में खाने का। मतलब मैंने कल कैलकुलेट किया ना, तो 800-900 रुपये ही कुछ तो ऐसा हुआ है, बाकी का तो सब होटल का ही खाना है। तो अब यहाँ पे ठूस सकते हो अच्छे से। अब ये खाऊंगा, अभी नेक्स्ट स्पॉट में पूछता हूँ ड्राइवर को कौन सा लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है वो। तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं नैनीताल लेक व्यू पॉइंट, देन हिमालय दर्शन। अच्छा बर्फ की पहाड़ियाँ, वहाँ पे बर्फ है, बर्फ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। अच्छा चलो, वो है हिमालयस वो, और ये साइड है चाइना। और यहाँ से उन्होंने बताया था कोई 5 माउंटेन्स दिखते हैं, पर उसमें से एक माउंटेन सबसे वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है। मैं उनको पूछ के और आपको बताता हूँ कौन सा पॉइंट है। यहाँ से ना आपको 5 पॉइंट दिखाते हैं। त्रिशूल पिक दिखेगा आपको, लोअर पार्ट है ग्रेटर हिमालय में, नंदा देवी दिखेगा, 2nd हाईएस्ट पिक इन इंडिया सर। चिंचोली पिक दिखाई देगा सर आपको यहाँ से, जो अपने उत्तराखंड बॉर्डर आ जाता है, राइट में नेपाल बॉर्डर आ जाता है। तो सर ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पर बताते हैं। ये त्रिशूल पिक है सर, 7120 मीटर हाइट है माउंटेन का। पहाड़ी जो है आपको सनसेट और सनराइज के वक्त त्रिशूल के आकार में दिखती है। ये मैकटुली पर्वत है, इधर मस्क डेरों की टोलियां पाई जाती है सर। ये नंदा देवी पिक अपने इंडिया का 2nd हाईएस्ट पिक है, वर्ल्ड में टॉप 23 पर आता है। 7816 मीटर हाइट है इस पहाड़ी का, 25,860 फीट। ये आपका ईस्ट नंदा पर्वत है, तो नंदा सुनंदा दोनों बहनें थी इधर की कुल देवी, उन्हीं के बेस में इन पिकों का नेम है। इनको डॉटर ऑफ कुमाऊं भी बोला जाता है। अभी यह है नंदा घाट। ओके ये पिंडारी ग्लेशियर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप बेस कैंप कर सकते हैं सर, ट्रेल पास करके जगह आती है। और यह है नंदा को ट्रैकिंग माउंटेन। इससे आगे की साइड में हम जहाँ जा रहे हैं, यह है धौलाधार रेंज अपनी। और यह है पंचाचोली पीक, पांडव का मोक्ष स्थल। फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक एंड फोर्थ पीक। अभी इससे आगे को फॉग है सर,
अगर फॉग नहीं होता तो आप नेपाल की भी रेंज देख। जीवन चंद ब्रह्मपुरी सर ने, मैं हिमालय व्यू पॉइंट पे वर्क करता हूँ, तो हिमालय के बारे में हम सर गाइडेंस करते हैं। तो जो रेंज आप देख पाते हैं यहाँ से सर, वो 365 किलोमीटर से एक बहुत बड़ा एशिया का लॉन्ग सीरीज दिखता है हिमालय, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं हम लोगों को। आपका नंबर दे दीजिए। हाँ सर, मेरा नंबर है 7817847300। थैंक यू। आप आइए इधर से नैनीताल में। थैंक यू सर। ओके, अब कहाँ जा रहे हैं? अब आप जा रहे हैं नैनीताल लेक व्यू पॉइंट, देन लवर्स पॉइंट, हॉर्स राइडिंग। ओके सर, चलो। लेक व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा का पूरा लेक दिखता है, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से नैनीताल का लेक दिखता है। चलो आपको मैं लेक दिखाता हूँ, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या फोर्थ पॉइंट पे आए है, मतलब याद नहीं आ रहा कौन से पॉइंट पे, पर ये पॉइंट है जिसका नाम है लवर्स पॉइंट, और वहाँ पे है वो है सुसाइड पॉइंट। मतलब यहाँ पे प्यार नहीं मिला तो वहाँ पे जाके चुपचाप खुद जाना, मर जाना, यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, दिल पे पत्थर वत्थर रख के नहीं रहना। और देखो आपको दिखा दो, वो जो है वो है सुसाइड पॉइंट, और ये है वो है लवर्स पॉइंट। आपको मैं व्यू दिखा दो कितना ब्यूटीफुल है यहाँ से। सनातन धर्म की ताकत दिखाओ, ये देखो गणेश जी आए हैं, गणेश जी हमारे पहाड़ों में, गणेश जी आए हैं, वो उनका मुकुट है वहाँ पे ऊपर, उनकी आंखें सोंड, ये हमारे गणपति बप्पा, बोला गणपति बप्पा मोरिया। हमारे लास्ट के दो स्पॉट करने, जो कि एक मंदिर है और एक टिबेटियन मार्केट है, तो चलो आपको लेके जाता और फिर बाद में लास्ट में मॉल रोड पे शॉपिंग करनी। तब तो ये तीन स्पॉट देखा था और ये सब उन्होंने ही घुमाया, वो भी एक पैकेज में, तो वो पैकेज की इन्फॉर्मेशन वही दे देगा आपको, मैंने उनसे बात कर ली है तो आपका अच्छे से समझा। चलो आपको लेके जाता हूँ नैना देवी मंदिर का। चलो ये टेंपल देखो, नैना देवी टेंपल का ये टेंपल है, कितना ब्यूटीफुल है ये देखो। और द बेस्ट पार्ट है यहाँ पे लेक है, वो है नैनीताल लेक। आपको लेक में फिश दिखा दो कितने ब्यूटीफुल है। चलो भाई ये कोई फिश है, बाय द वे आपको नहीं पता होगा ये कोई फिश है, और क्या बड़े बड़े फिशेस है देखो। लग रहा है मैंने कुछ खाना वाना डाल रहा है, इसलिए देखो सब यहाँ पे आ गए हैं। और ये एक मछली ऊपर आई है देखो। चलो साइट सीन हो गए सब कंप्लीट, मंदिर भी चले गए, दर्शन भी हो गए अच्छे से। अभी सभी लोगों का फेवरेट चीज बाकी है जो कि है शॉपिंग। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पीछे साइड में ना एक टिबेट मार्केट है, वहाँ पे सब कुछ चीज़ है लद्दाख टिबेटियन ये सब स्टाइल में ही है और वहाँ से ही आती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है वो मार्केट। ये देखो ऐसे सब शॉप्स है, यहाँ पे सब आपको वुलन कपड़े मिल जाएंगे और कई कई दुकान में तो सेल भी है। तो चलो आपको दिखाता हूँ कैसा है मार्केट। अतिशय मतलब आपको बार्गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ भी प्राइस बताएंगे पर बहुत कम प्राइस में आ जाते हैं वो लोग। सो बार्गेन कर लो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। दाखो तो यहाँ पे ना एक्चुअली आपको सब कुछ बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि हर एक दुकान में सेम सेम चीज़ है, ठीक है। सो जल्दबाजी मत करना कि यहाँ से ही लेना है वहाँ से ही लेना है। अब सब शॉप्स में देखो कि वही 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 कपड़े रिपीट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कपड़े लेना और आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा पाओगे। Thank you.
सो आप देख सकते हो ये मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है, बस जल्दबाजी मत करना गाइस, आप बहुत पैसे कमाओगे। शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मन है पर मैं कुछ ले ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बैग ऑलरेडी फुल है और 15 kg के ऊपर हो चुकी है क्योंकि मैंने इतना शॉपिंग कर लिया है। मैंने मेरे मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया और मुझे भरना नहीं है एक्स्ट्रा पैसे लगेज के। सो अभी तो थोड़ा मन मार रहा हूँ कि ये नहीं लेना है वो नहीं लेना है, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ ट्रिप यहाँ पे, मतलब मैं करूँगा तो सब मेरे एज के लोग होंगे जो पार्टी करना पसंद करते, जो घूमना पसंद करते, एक्सप्लोर करना पसंद करते, तो तभी आऊँगा, तब एक बैग खाली लेके आऊँगा और तभी शॉपिंग कर लूँगा। अभी ठंड बढ़ रही है पर मुझे एक चीज़ नहीं पता चल रही है, मैंने पहनी है शॉर्ट्स ठीक है पर वहाँ पर मुझे ठंड नहीं लग रही है, पर मैंने इतना मोटा टी शर्ट ये काइंड ऑफ हुडी पहने हैं उसमें अंदर ठंड लग रही है गाइस, मतलब अजीब है वेदर। हाँ और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ नैनीताल के बारे में, नैनीताल और लद्दाख में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब आपके क्लाइमेट को लेके यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल सच में कम है ठीक है, और एयर बहुत ज़्यादा प्योर है, उसके वजह से क्या होता है आपका सर पेन होने लगता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ये सब चीज़ें होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप डॉक्टर के पास से कोई एक मेडिसिन ले लो या फिर एक मेडिसिन आती है मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, वो लेने से आपका ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकता है ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना क्योंकि ये स्टेज पे आके आपको हॉस्पिटल अच्छे से नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल यहाँ के बहुत ज़्यादा दूर है, सो ये चीज़ ध्यान में रखना। आपके डॉक्टर को पहले मिलना, बताना उन्हें आप कहाँ पे जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लेके आना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो ही लेना मेडिसिन, नहीं तो मत लेना ठीक है।